अगर सरकारें काम करती हैं तो इन चुनावों के नतीजों में बता दिया कि एंटी इनकम्बेंसी शब्द का नाम इररेलेवेंट हो गई है। विपक्ष को नेगेटिविटी छोड़कर समझना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ सीखना चाहिए कि किस तरीके से काम किए जाते हैं लोगों के, और देश की जनता ने इस नए सत्र की शुरुआत होने से पहले नेगेटिविटी को पूरा जीरो कर दिया, हटा दिया, काम करने वाली सरकारों को चुना। कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुई थी, हिमाचल में भी हुई थी, उस समय मोदी जी की यह ज्ञान कहां थी पता नहीं। अभी जीतने के बाद सारे ज्ञान उभर कर आ रहे हैं, अच्छा है। अगर ये इस तरीके की चले तो अच्छा है, लेकिन मोदी जी समय समय पे ज्ञान निकालते हैं और उनकी सुविधा के मुताबिक वो ज्ञान खो भी जाते हैं। सर, लेकिन ये मानेंगे आप सर कि प्रधानमंत्री, बीजेपी जिस तरीके से कह रही है ये प्रधानमंत्री के नाम पर वोट? बिल्कुल, और सारे लोगों ने विश्वास जताया है प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री जी। और मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री भर्सेस बाघेल, राजस्थान में प्रधानमंत्री भर्सेस गहलोत, वोट इस तरीके की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे, एक ही मोहर है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है, ये मान बीजेपी अगर माने तो ठीक है। ये न आरएसएस की जीत है, न बीजेपी की जीत है, न बीजेपी की जीत है, वो मान ले कि मोदी की जीत है।